मोर, ठीक है, मोर बाय, दिस इज हर डायरेक्ट मेथड. कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मीन एंड मीडियन, और फिर हमने मोर भी डिस्कस किया था, मगर दैट वाज इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि उस टाइम हमारा मोर का क्या फॉर्मूला था, मोर इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन. तो तब मोर निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? मीन की भी और मीडियन की भी. कभी आपको एग्जाम में अगर आएगा ऐसा क्वेश्चन, आपको ग्रुप डाटा दिया गया है, दिस इज कंटीन्यूअस डाटा, उसके आगे फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको, फाइंड आउट मोर. आप कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोर. डायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले क्या चूज करेंगे? जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 12 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. तो हम 12 को सर्कल कर लेंगे, ठीक है, जो क्लास इंटरवल है उनको हम अंडरलाइन कर देंगे. इसका मतलब है हमारा पूरा क्वेश्चन जो है वो यहाँ लिखा है, ठीक है. उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखना है मोर का, ठीक है. ये फॉर्मूला किसके लिए है? डायरेक्ट मेथड के लिए. मोर इज इक्वल टू लिमिट प्लस एफ वन माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाई टू एफ वन माइनस एफ ओ माइनस एफ टू. एफ ओ को आप एफ जीरो या एफ नॉट भी कह सकते हैं. हम यहाँ फॉर्मूले में रिप्रेजेंट है एफ जीरो बोल देते हैं, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे? हमने फॉर्मूले में देखा सबसे पहले आ रहा है लिमिट. तो लिमिट हम हमेशा कौन सा लिमिट लेते हैं? लोअर लिमिट. कौन सा लेते हैं? क्लास इंटरवल में ये वाली कौन सी लिमिट है हमारी? लोअर लिमिट. ये क्या है? अपर लिमिट. और ये हमारा क्या है? कंटिन्यूअस डाटा. मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर हमारा डाटा कंटिन्यूअस नहीं होता तो हम क्या करते? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करते, फिर हमारा डाटा कंटिन्यूअस बन जाता. तो अब हमने क्या करना है? यहाँ लोअर लिमिट ऑलरेडी है, क्या है? 30, ठीक है. लिमिट में क्या लिख दिया? 30 प्लस व्हाट इज एफ वन? एफ वन इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. एफ वन कौन सी फ्रीक्वेंसी है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 12. हमने लिख दिया 30 प्लस 12 माइनस एफ जीरो. एफ जीरो कौन सी टर्म है? जो उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, तो वो यहाँ पर क्या है? 8. 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू. टू वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई एफ वन है 12, एफ जीरो है 8 और एफ टू है उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी दैट इज 6. तो हमने ऐसे यहाँ लिख लिया मल्टीप्लाई आई. आई क्या है? साइज ऑफ क्लास इंटरवल. यहाँ क्या साइज है क्लास इंटरवल का? 10, ठीक है. तो हमने आई की जगह लिख लेना है 10. फिर हमने फॉर्मूले में ये सारे जो टर्म्स हैं ये सारे टर्म्स लिख ली. अब हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही. 30 को एज इट इज रहने दो प्लस 12 माइनस 8 4. इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है. 4, ठीक है. 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया? 24 माइनस माइनस 8 और माइनस 6 है, कितना हो गया? माइनस का आएगा, कितना आएगा? 6 और 8 कितने होते हैं? 30 माइनस 30. 6 और 8 कितने होते हैं बेटा? माइनस 14, ठीक है. अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10. अब आप इसको सॉल्व कीजिए. 30 प्लस 4 डिवाइड बाय 24 में से 14 गए 10 मल्टीप्लाई 10. 10 और 10 कट जाएगा, ठीक है. रहा क्या? 30 प्लस 4, तो हमारा मोर निकल गया 34. ये इजी मेथड है, इजी है ना. सिर्फ क्या फाइंड करना था? एफ वन जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, एफ जीरो और 2. सो दिस वाज इनडायरेक्ट मेथड ऑफ, सो दिस वाज डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मोर. हमने इनडायरेक्ट मेथड भी कर